कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और टाइप ऑफ मटेरियल। देखो ऐसा है, आपने इस चैप्टर में बनाना है कैपेसिटर। अब इमेजिन करो कि आपने कहा कि ठीक है जी, मैं अपने घर में पानी स्टोर करने के लिए डिवाइस रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइस रखेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या डिवाइस रखूंगा? कोई कहता है प्लास्टिक का एक टैंक रखूंगा, चलो बात समझ में आती है, ठीक है। कोई कहता है लोहे का टैंक रखूंगा, समझ में आती है, ठीक है, लोहे का टैंक। कोई कहता है सोने का टैंक रखूंगा, अरे सोने का, तुझे पता नहीं सोने का भाव क्या है? नहीं कहता पता नहीं, तो फिर तभी बोल रहा है। तो आपको जब तक मटेरियल पता ही नहीं है तो तुम कैसे टैंक की फैक्ट्री खोलोगे? नहीं कर सकते। कोई कहता है लकड़ का टैंक खोलूंगा, लकड़ का कैसे करेगा? वो एब्जॉर्ब कर जाएगी पानी सारा। तो यानी कि कैपेसिटर की सेम प्रॉब्लम है। जब तक अगर आपको कैपेसिटर बनाना है, आपको यही नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है और मटेरियल क्या यूज करेंगे या अंदर क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं, आप कैपेसिटर बना नहीं पाओगे। और हमने क्या बनाना है? कैपेसिटर। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कि कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बहुत सिंपल है, कंडक्टर एक ऐसा मटीरियल है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, अंदर नहीं रहता, इसकी प्रॉपर्टी है। और चाहें तो चार्ज कंडक्ट भी कर सकता है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। इंसुलेटर का क्या एग्जांपल है, सॉरी, कंडक्टर्स के साथ इंसुलेटर्स की क्या प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर, जो एक टाइप के इंसुलेटर, ऐसे इंसुलेटर्स हैं जैसे लकड़ का मटेरियल है, जिसके अंदर चार्ज नहीं आ सकता, जिसकी सरफेस पे भी चार्ज नहीं आ सकता, खत्म, पूरे प्रॉपर इंसुलेटर है। लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं, कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम वाइज चार्ज आ सकता है, ठीक, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है, चार्ज आ जाएगा, जैसे कोम कंघा करते हो उस पर चार्ज आ जाता है, तो वो एक इंसुलेटर है लेकिन चार्ज आ जाता है। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कपड़ा रब करते हो रॉड के ऊपर, तो रॉड के ऊपर चार्ज, रॉड कंडक्टर नहीं थी पर फिर भी चार्ज आ गया। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर चार्ज आ सकता है, स्टे कर सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ऐसे इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते पर उनके वॉल्यूम के अंदर चार्ज आ सकता है, उन खास मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बोला जाता है, राइट। ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर चार्ज को रोक सकते हैं, फ्लो करना अलाउड नहीं है, रोक सकते हैं वॉल्यूम वाइज, इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। पर कंडक्टर के अंदर चार्ज दोगे तो बाहर भाग जाएगा सरफेस के ऊपर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टे नहीं कर सकता। तो इसीलिए कंडक्टर्स को बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रिक्स। नॉन इलेक्ट्रिक्स का मतलब कि ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिक है, कि चार्ज भर भी दोगे बाहर भाग जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज दोगे, जहां दोगे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि मूव तो करना अलाउड ही नहीं है। तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डाइइलेक्ट्रिक में हो सकता है, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट है फोर्स एंड बाउंड चार्जेस।